यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग लखनऊ नगर निगम मार्ग विकास विभाग से संबंधित हैं। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं सर बहुत ही परेशान हैं। समय काफ़ी समय हो गया, आठवां महीना चल रहा है तो सर हम लोगों को इतनी वेतन भी नहीं मिलता है जिससे हम लोग अपना सहयोग अपने परिवार को सहयोग पूरा दे सकें। कब से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है? 8 महीने हो गए सर। 8 महीने वेतन नहीं मिले, अधिकारी से आपने वार्ता किया? सर हम लोग अपने अपने विभाग के अपने अधिकारी हैं उनके कान में बराबर हम लोग बात डाला करते हैं, उनको सब कुछ पता भी है। अब जब हमारे उच्च अधिकारी उस चीज़ को संज्ञान में नहीं ले रहे तो हमारे भी अधिकारी क्या कर पाएंगे? अगर आप आपके अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहे हैं नहीं हमारे तो आप क्या कर रहे हैं? हम लोग आज से सर संपूर्ण कार्यबंदी कर रहे हैं। सर हम लोगों का एक शांतिपूर्वक एक निर्देश है कि हम लोग पूरी ईमानदारी से गर्मी जाड़ा बरसात नित दिन अपनी जनता की सेवा करते हैं। रात में अंधेरों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था पूरी तरीके से प्रज्वलित रहती है कि हमारा कोई भी नागरिक अंधेरे में ना रहे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि सर हम लोगों का भी ध्यान दिया जाए, अगर इतने इतने महीने हम लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, क्या खाएंगे, क्या जिएंगे। ये तो कहिए कि सरकार की एक अच्छी उपलब्धि रही है ऐसे में कि हम लोगों को जो फ्री राशन का वितरण कराया जिसके जरिए हम लोगों ने किस तरीके से अपना भोजन पेट का यापन कर पाया गया। आप लोग नियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, कार्यदायी के माध्यम से सर कार्यदायी संस्था से हैं हम लोग। और नगर दीजिए सर, हमारा नाम मनीष है, हम लोग अपने नगर निगम मार्ग विकास विभाग के कर्मचारी हैं। सर हम लोग बहुत नगर आयुक्त कहते हैं, आसिफ नाम है हमारा और नगर आयुक्त जी कहते हैं। आप लोग जो है आउटसोर्सिंग से आए हैं जी सर, आपकी आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम क्या है? रिया एंटरप्राइजेस। आपने उसको मामला ये बताया? सर हमारी सर एजेंसी के बारे में सर हमको ही नहीं सूचित किया गया कि हमारी एजेंसी है कौन। सर मैं पिछले सर हम लोग 7 वर्ष कार्य कर रहे थे सर, हर बार सर हम लोग विभाग के माध्यम से रखे गए पर हमको सर अलग अलग एजेंसी में सर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारी सर एजेंसी को सर हमको ही जानकारी नहीं कि हमारी एजेंसी कौन सी है। सिर्फ ये मालूम होता है सर इस एजेंसी से हमको हमारा वेतन दिया गया। नहीं, आपकी एजेंसी नहीं पता होती है तो किस एजेंसी से आपको वेतन मिल रहा है? सर प्रिया एंटरप्राइजेस। सर हमने क्या कहा सर, मुझको सर अलग अलग एजेंसी से हर साल वेतन दिया जाता है। किस किस एजेंसी से दिया जाता है? सर पहले सिवा प्लेसमेंट थी, इसके पूर्व के अमनी परिधि थी, इस समय प्रिया एंटरप्राइजेस है। कितने महीने तक के एक एजेंसी से आपको पैसा मिलता है? सर अमनी परिधि से सर हमको सर 200 वर्ष वेतन मिला है। प्रिया एंटरप्राइजेस सर इस साल मार्च से वेतन देना शुरू किया गया है, इसके पहले सिवा प्लेसमेंट कंपनी सर वो वेतन देती। वर्तमान में कौन सी एजेंसी है जो आपको पैसा नहीं दे रही है? उससे उनके जो मालिक है उनसे आपने बात की? सर उससे सर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपके एजेंसी के मालिक का? सर नहीं जानकारी सर हमको, सर यही सर जानकारी सर हमको सर किसी एजेंसी सर जो रखा जाए सर उससे कभी मिलाया नहीं जाता है। यहाँ के किसी अधिकारी से आपने समस्या का सर हमने सर अपने सर नीचे देखे कुछ अधिकारी तो सब तक यहाँ के किसी अधिकारी को बताया? किससे बताया? काम नहीं करते जब अगर हम लोग नगर निगम के नहीं है तो सड़क शौचालय का काम, स्टिक लगने का काम, अन स्कूलों का काम या जितना ऑफिस का काम है वो हम लोग से लाइट क्यों करवाया जाता है? फिर एसएल कंपनी से करवाया जाए, हम लोग को तनख्वाह नहीं दी जाती है। आप जो है किस एजेंसी से संबंधित बात करने को मतलब कौन सी अपनी सर हमारे सर हम लोग को 8-8 महीना एजेंसी का नाम बताइए अपनी सर पूरा सर सारे जोन सर हमारे जितने भी लखनऊ में जोन 8 है सर सभी को अलग अलग जोन से सर वितरित अलग। आप अपनी एजेंसी किस एजेंसी से? रिया एंटरप्राइजेस। रिया एंटरप्राइजेस उसने कुछ नहीं वो कुछ नहीं कर रही है आपके लिए सर अभी तक सर हमारी सर एजेंसी को सर यही नहीं। एक मिनट यार।